मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के साकटू नगला गांव में आज एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन पूर्व विधायक सोलह तली के भाई एडवोकेट इशरत हुसैन उर्फ बाबू भाई ने किया। सभा का मेन उद्देश्य विधानसभा 29 कुनरकी के 2022 के चुनाव को लेकर किया गया। इस पर क्षेत्र के प्रधान व सम्मानित व्यक्तियों ने मिलकर ये सभा रखी। उस सभा में एडवोकेट इशरत हुसैन उर्फ बाबू भाई को आने वाले विधानसभा 2022 में इलेक्शन में उतारा गया। सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट इशरत हुसैन उर्फ बाबू भाई का कहना है कि अगर जनता चाहेगी तो मैं आगामी विधानसभा के चुनाव में उतरूंगा और चुनाव लड़ूंगा, अगर जनता नहीं चाहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इशरत हुसैन एडवोकेट ने यह भी कहा कि मुझे कोई भी पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तब भी मैं निर्दल से जनता के प्यार से चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करूंगा और जनता मुझको आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में विधायक चुनती है तो मैं जनता के बीच रहकर जनता की हर समस्या हर परेशानी में दिलो जान से साथ दूंगा और कभी भी किसी भी तरह का कोई भी गलत कार्य किसी के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी से मैं इस पद पर कार्य करूंगा। जिसमें आज सभी क्षेत्र की जनता ने इशरत हुसैन एडवोकेट को विधानसभा चुनाव में उतार कर परचम लहरा दिया है, जिसमें भारी तादाद में इस सभा में जनता उपस्थित रही।